वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू गेट माय ड्रीम जॉब, मीन्स आप अपनी ड्रीम जॉब कैसे पा सकते हैं, वो जॉब जिसका आप सपना देखते हैं वो जॉब आप कैसे पा सकते हैं, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को तुरंत लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की है। तो आइए आपको बात करते हैं ड्रीम जॉब के बारे में। हर इंसान की एक ड्रीम जॉब होती है और वो उस ड्रीम जॉब को पाना चाहता है। तो वो ड्रीम जॉब कुछ भी हो सकती है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि हर इंसान की ड्रीम जॉब एक ही जैसी हो। हर इंसान अपने हिसाब से अपनी जॉब को सोचता है कि काश मैं ये बन जाऊं, काश मैं ये बन जाऊं। तो वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप इंजीनियर की आपकी कोई एक ड्रीम जॉब हो कि आप इंजीनियर बन जाएं, या फिर डॉक्टर, या फिर लॉयर, या फिर आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, या फिर प्रोफेसर। तो कुछ भी आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है। तो ये ड्रीम जॉब आप कैसे पा सकते हैं, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। चीज जरूर मिलेगी। तो आइए आपको बताते हैं कि ये ड्रीम जॉब पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तीन चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज है आपकी नॉलेज। सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपनी ड्रीम जॉब करना चाहते हैं, जैसे आप किसी भी तरीके से, जैसे कि मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो गवर्नमेंट वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट वैकेंसीज की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब है, जैसे आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं, या डॉक्टर या प्रोफेसर या आईएएस या आईपीएस या साइंटिस्ट, तो हर चीज के उस टॉपिक की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और हर तरीके से पूरी डिटेल में आपको सब कुछ पता होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आसानी के साथ उसका आंसर आता हो और कोई भी क्वेश्चन आपसे बचकर जाने ना पाए और आप हर क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको अच्छे से उस टॉपिक की नॉलेज हो। अगली चीज जो आपका है वो आपकी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि मैं अपनी ड्रीम जॉब को जरूर पालूंगा। तो ड्रीम जॉब को पाने के लिए आपको लगातार अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने दो बार एग्जाम दिया, तीन बार एग्जाम दिया, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको ऐसा नहीं होना कि आप डीमोटिवेट हो गए। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि कोई बात नहीं, इस बार का एग्जाम नहीं सेलेक्ट हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार के एग्जाम में मैं जरूर सेलेक्ट हो जाऊंगा, अगली बार इतनी मेहनत करूंगा कि मैं 100% सेलेक्ट होऊंगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर बनाना है और जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बन गया उस दिन आप किसी भी जॉब को पा सकते हैं। अगली चीज आपको जो है करनी है वो है कंटिन्यूटी ऑफ रिविजन, मतलब जो भी आप पढ़े हैं उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए कंटिन्यूअसली। अगर आप हर दिन रेगुलर एक टाइम बनाकर पढ़ेंगे कि हमको इतने से इतने घंटे हमको रिवाइज करना है अपने जो भी हम टॉपिक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप डॉक्टरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और चीज के लिए, तो अगर आप अपने टॉपिक को अच्छे से रोज डेली रिवाइज करेंगे अच्छे से, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी टॉपिक्स की थ्योरीज होंगी वो आपको अच्छे से आ जाएगी और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे और हो सकता है कि इसी वजह से आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो इसलिए ये तीन चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब करनी है, ड्रीम जॉब पानी है, तो सबसे पहले अच्छी नॉलेज आप लोग गेन करिए किसी भी टॉपिक की, जिससे लेकर आपको जॉब आप करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी और अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए कि मैं ये जॉब गेन कर सकता हूँ, मैं ये जॉब पा सकता हूँ। और सबसे लास्ट में कॉन्टिन्यूस स्टडी जरूरी है और रिविजन जरूरी है। हर दिन आपको एक लिमिटेड अमाउंट में
रोज पढ़ना है, ये नहीं कि आप किसी दिन पढ़े किसी दिन नहीं पढ़े, तो उससे आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी और फिर हो सकता है कि आपको कोई नुकसान हो जाए। तो ये था आपका कि ड्रीम जॉब कैसे पाएं के 3 तरीके, नॉलेज, कॉन्फिडेंस और कंटिन्यूटी ऑफ रिविजन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और इस वीडियो को तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि ये काफी काम की वीडियो है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।